मैं माँ हूं, धरती माँ। यदि सत्य और धर्म के विरोधियों की संख्या कम नहीं होती तो उसके समर्थकों की संख्या भी कुछ कम नहीं होती। कभी कभी तो सत्य के समर्थक वहां भी मिल जाते हैं जहां उनके मिलने की कोई संभावना नहीं होती। ईश्वर ने यह विधान बहुत सोच समझ कर बनाया है। विप्रचित्ति भक्त प्रहलाद को समुद्र में फेंककर संतुष्ट तो हो गया कि उसने सत्य को राह से हटा दिया, परंतु वो क्या जानता था कि वो प्रहलाद को मृत्यु की गोद में नहीं, उसके जीवन के रक्षक की गोद में फेंक रहा है। सागर देव ने अपने नाती को सीने से लगा लिया। झूठ की एक और हार हुई, पर मैं सोच रही हूं कि क्या झूठ हार मान लेगा? क्या इतने अभिमानी और हठी तत्व ये मान लेंगे कि वे सत्य को कदापि नहीं हरा सकते? मुझे तो नहीं लगता कि वे अब भी अपनी पराजय से कोई सीख लेंगे। शंड अमर्क। आज्ञा पिताश्री। प्रहलाद का अंत परम आवश्यक है पुत्रों। परंतु पिताश्री। परंतु क्या? परंतु पिताश्री, राजकुमार प्रहलाद को मारने के सारे उपाय असफल हो चुके हैं। वो इसलिए, अब तक के सारे उपाय अज्ञानी और बुद्धिहीन असुरों ने किए थे। मेरा उपाय कदापि असफल नहीं होगा। जाओ, कृत्या जन्म की क्रिया का शुभारंभ कर। सुना नहीं तुमने मेरा आदेश? सुन लिया पिताश्री, परंतु कृत्या का जन्म केवल प्रहलाद के लिए नहीं, औरों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। पिताश्री, आप तो जानते ही हैं, यदि कृत्या प्रहलाद को न मार सकी तो उसे मार डालती है जो उसे बुलाता है। यह संभव है? इतनी विशाल काय और भयावह राक्षसी और एक छोटे से बालक को समाप्त न कर सके, ये संभव ही नहीं। जाओ, विलंब ना करो, बोर होने से पहले ही प्रहलाद का अंत हो जाना चाहिए। मैं यहां साधना कर रहा हूं, प्रहलाद का अंत होते ही मुझे सूचित किया जाए। और स्मरण रहे, सूर्योदय से पहले यह कार्य हो जाना चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी, कि आपने कोई भयानक सपना देख लिया? लगता है मेरे पुत्र के प्राण फिर संकट में है। आपका ध्यान राजकुमार में है, इसीलिए आप सोते में भी उन्हीं के विषय में सोच रही होंगी। राजकुमार तो गुरुकुल में है, भला वहां उनके प्राण को क्या संकट हो सकता है? पता नहीं, परंतु मैं बहुत व्याकुल हूँ। सो जाइए महारानी, उन्हें कुछ नहीं होगा, गुरुजन उनकी सुरक्षा का आश्वासन दे चुके हैं। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। लगता है मैंने कोई भयानक स्वप्न देखा था। जल्दी आओ, आओ शीघ्र आओ।
तेल की आवश्यकता नहीं है। हाँ शिष्यों, तुम दूर उधर जाकर खड़े रहो। जाओ जाओ। एक अतिथि की प्रतीक्षा है, हम उसी के लिए भोजन बना रहे हैं। एक अतिथि के लिए इतना सारा भोजन? हाँ, बहुत विशाल काय है वह अतिथि, बहुत बड़ा पेट है उसका, उसका भोजन इसी तेल में तला जाएगा। जाओ शिष्य, तुम अपना स्थान ग्रहण करो। कहाँ है मेरा भोजन? मेरा भोजन कहाँ है? We'll be right back.
मुझे तुम्हारी बलि स्वीकार नहीं है। भागो भागो भ्राता मर्क, जिस घड़ी का भय था वो घड़ी आ गई। कृत्या प्रहलाद को मारने में असफल हो गई, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। हमने उसे बुलाया था। मारे गए हम तो, हम पर दया करो कृत्या, कृत्या हम पर दया करो, हम पर दया करो कृत्या। नहीं कृत्या, हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें कृत्या, हम पर दया करो। नहीं 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 कृत्या, पर दया करो, हम पर दया करो कृत्या, कृत्या हमें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, हम पर दया करो कृत्या। नहीं नहीं, हम पर दया करो कृत्या, कृत्या हमें छोड़ दो। नहीं नहीं कृत्या, कृत्या हम पर दया करो। ओ क्या हुआ? कृत्या ने अपना कार्य समाप्त कर दिया पुत्र? हाँ गुरुदेव। तुम? हाँ गुरुदेव। शंड और अमर कहाँ है? उन्होंने जिस शक्ति को जन्म दिया था उस शक्ति ने उनकी हत्या कर दी। क्या? हाँ ये सत्य है गुरुदेव। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। शंड अमर मेरे पुत्र, क्या हो गया मेरे पुत्र, ये क्या हो गया? मुझे अकेला छोड़कर इस दुख सागर में डुबोकर तुम कहां चले गए? हे मेरे होनहार पुत्रों, मैंने तुमसे क्या क्या आशाएं बांध रखी थी। तुम्हारे रूप में मैं शुक्र वंश का यश देखता था। तुम जीवित थे तो मुझे विश्वास था कि मेरा वंश जीवित रहेगा, फलेगा फूलेगा, मेरे कार्य को तुम आगे बढ़ाओगे। पर ये सब क्या हो गया, मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था कि कृत्या के विषय में जो तुमने भय प्रकट किया था वो सत्य विसिद्ध हो सकता है। मैं तुम दोनों को संजीवनी मंत्र से जीवित भी नहीं कर सकता। संजीवनी मंत्र तो केवल युद्ध में मारे गए, दुर्घटना में आहत और महारोग से ग्रसित को ही जीवित कर सकता है। तांत्रिक शक्तियों द्वारा मारे हुओं के लिए
वे प्रभावहीन हैं। मैं विष्णु भक्तों का वंश मिटाना चाहता था, परंतु इस दुष्ट बालक ने मुझे कहीं का ना रखा। मेरी विद्या मेरे किसी काम ना आई, मेरी विद्या मेरे किसी काम ना आई। मैं कहती थी ना, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं स्वयं उनका बुरा हो जाता है। मेरे पुत्र को मारने चले थे दैत्य गुरु, एक क्षण को भी ये ध्यान नहीं आया कि वो भी किसी माँ का पुत्र है। अब अपने पुत्र मारे गए तो कैसा विलाप कर रहे हैं दैत्य गुरु। सिंगिका की भांति दैत्य गुरु भी अपने दुख को केवल दुख समझते हैं। उनके लिए दूसरों का दुख केवल परिहास की सामग्री होता है। आप सत्य कह रही हैं महादेवी, इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है अंत में उसका भी बुरा हो ही जाता है। दैत्य गुरु को अपने तंत्र मंत्र पे बड़ा विश्वास था, समझ रहे थे कि उनके तंत्र मंत्र से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। यह उनका भ्रम है महादेवी, उनका भ्रम है। जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि यह तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो ये है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बाका कर सकती। हे महादेवी, जिस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देख ये भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर भी जला सकती हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती हैं। सत्य है सर्वेश्वर, आप जो कह रहे हैं उसका एक एक अक्षर सत्य है। देखिए तो महादेवी, कोई भला सोच भी सकता है कि इतने महान दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने पुत्रों की मृत्यु पर इस प्रकार विलाप करते हुए दिखाई देंगे। गुरुदेव, क्या आप वास्तव में मेरे गुरुजन शन और अमर की मृत्यु का उत्तरदायी मुझे समझते हैं? तुम्हें नहीं समझूं तो किसे समझूं? परंतु गुरुदेव, क्या ये उचित है? उचित हो या अनुचित, पर सत्य यही है कि तुम्हारे ही कारण मेरे पुत्रों के प्राण गए, तुम्हारे ही कारण मेरी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, तुम्हारे ही कारण समस्त असुर लोक का अस्तित्व संकट में पड़ गया। मेरे पुत्रों को जीवित रहना था, वे मर गए। तुम्हें मर जाना था, तुम बच गए। गुरुदेव, यदि आप ये जानते हैं कि मैं बच गया तो आप ये भी भली भांति जानते हैं कि मैं कैसे बच गया, किसने बचा लिया मुझे। तो आप ही कहिए, जिसने मुझे बचाया वे ईश्वर है या वे जो मुझे बार बार मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो असफल होते जा रहे हैं, वो मेरे पिताश्री हिरण्यकश्यपु है। चुप रहो। मैं चुप रहूंगा गुरुदेव, आज आपको बताना ही होगा कि आप अपने मन से मेरे पिताश्री को ईश्वर मानते हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है गुरुदेव, किसी को मन से ईश्वर मानना एक बात है और किसी को भय या स्वार्थ के कारण ईश्वर मानना दूसरी बात। मैं जानता हूँ कि मेरे गुरुजन शन और अमर मेरे पिताश्री को भय के कारण ईश्वर मानते थे और आप उन्हें स्वार्थ के कारण ईश्वर कहते हैं। मैं गुरु हूँ और गुरु का धर्म है शिक्षा देना। गुरु अपने शिक्षकों को वही पाठ पढ़ाता है जो उसे पढ़ाने के लिए कहा जाता है। क्या गुरु का धर्म ये देखना नहीं कि उसे जो पाठ पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है वह उचित भी है नहीं? इस समय तू बड़े बोल इसलिए बोल रहा है कि तेरी विजय हुई है और मेरी पराजय, तू प्रसन्न है और मैं दुखी। तुझे प्रसन्नता है कि मेरे दोनों पुत्रों और तेरे गुरुजन मृत्यु को प्राप्त हुए। जो शिष्य अपने गुरु की मृत्यु का हर्ष मनाए उसके जीवन को धिक्कार है।
केवल मैं जानता हूँ गुरुदेव कि मैं अपने गुरुजन शंडर आमर्क से कितना प्रेम करता था। केवल मैं जानता हूँ जो उनके मृतक शरीर को देखकर मेरे मन पर क्या बीत रही है। जिस समय वो दुष्ट राक्षसी मेरे गुरुजन का वध कर रही थी, मेरा वश चलता तो मैं उसके खड़ग के आगे अपना सिर कर देता। बंद करो ये अभिनय। ये अभिनय नहीं गुरुदेव, ये मेरे दुखी मन की पुकार है। हे वासुदेव, हे पद्मनाभ, हे नीलकांत, हे विष्णु, यदि मेरी भक्ति में कोई खोट नहीं है, मेरी श्रद्धा में कोई मैल नहीं है, मेरी उपासना में कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे गुरुजन को जीवन दान देकर मेरे माथे से ये कलंक मिटा दीजिए कि मैं अपने गुरुजन की मृत्यु का कारण हूँ। उनके जीवन का अंत इसलिए हुआ कि आपको मेरा जीवन बचाना था। यह आपसे मेरी अंतिम प्रार्थना है। इसके उपरांत मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। हे सर्वेश्वर, मेरी लाज रखिए, मेरे गुरुजनों को जीवन दान दीजिए, मेरे गुरुजनों को जीवन दान दीजिए। सुना आपने कमल नयन, देखा मेरे पुत्र का भोलापन। लीजिए अब उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी कीजिए। बड़ा विचित्र है ये बालक भी, शत्रुओं के दुख पर भी यूं बिलख पड़ता है जैसे कि ये अपना दुख हो। महान है ये बालक महादेवी, महान है ये बालक। जब ये हंसता है तो सारा संसार इसके साथ हंसता है, पर जब ये रोता है तो अकेला ही रोता है। यदि रोने वाले के साथ कोई रो दे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति स्वच्छ हो। पर ये कहने की आवश्यकता थी कि ये उसकी अंतिम इच्छा है और इसके उपरांत वो आपसे कभी कुछ नहीं मांगेगा। महादेवी, ये कहकर उसने स्वार्थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सामने ये सिद्ध कर दिया है कि वो स्वयं कितना निस्वार्थी है, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, यदि हाथ पसारता भी है तो दूसरों के लिए। संभवतः आपका पुत्र भी ये समझता है कि मेरे भक्त मेरे वश में है, किंतु सत्य तो ये है महादेवी कि स्वयं मैं अपने भक्तों के वश में हूं। अपने प्रेम से, अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से और अपनी श्रद्धा से मेरे सारे भक्त बार बार मुझे उनकी सहायता करने के लिए विवश करते रहे हैं और करते रहेंगे, और मुझे अपनी इस विवशता पर कितनी प्रसन्नता होती है इसका मैं क्या वर्णन करूं महादेवी, इसका मैं क्या वर्णन करूं। मैं आपके इस पुत्र की प्रार्थना और मेरे इस भक्त की प्रार्थना को कैसे टाल सकता हूं महादेवी। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जीवित हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शैल नमो अमरक भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजकुमार हे विष्णु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। शंड अमरक सुना नहीं तुमने मैंने तुम्हें बुलाया इधर आओ ये मेरा आदेश है। आपके आदेश का पालन हमारे उस जीवन का धर्म था जिसका कारण आप थे। ये तो हमारा नया जन्म है हमारा दूसरा जीवन है और यह जीवन हमारे प्रिय शिष्य प्रहलाद ने हमें प्रदान किया है पिताश्री। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुजन? आपने मेरे चरण छू लिए तो मैं सदा के लिए पापी हो जाऊंगा। हम तुम्हारा मार्गदर्शन चाहते हैं शिष्य तुम्हारे पीछे चलना चाहते हैं शिष्य प्रहलाद। मैं जिस पथ का पथिक हूँ उसमें ना कोई किसी के आगे चलता है ना कोई किसी के पीछे उस पर सब साथ साथ चलते हैं। मैं भक्ति मार्ग का पथिक हूँ। आइए आप भी पथिकों के इस लहराते सागर में लहरों की भांति आप भी मिल जाइए। आपका स्वागत है गुरुजन। पिताश्री हम ये घोषणा करते हैं कि शिष्य प्रहलाद का ईश्वर ही हमारा ईश्वर है। हाँ हमारे भगवान विष्णु है हिरण्यकश्यपु नहीं। धन्य है गुरुजन आपने सत्य की राह देखी। अब आप जो भी शिक्षा देंगे वो सच्ची शिक्षा होगी। महाराज विप्रचित्ति और राजकुमार अहलाद पधार रहे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान असुर लोक सम्राट हिरण्यकशिपु असुर लोक साम्राज्य महारानी कयाधु के साथ राजसभागार की शोभा बढ़ा रहे हैं। असुर लोक वासियों मेरे प्रिय जनों आज शुभ दिन है अत्यंत शुभ दिन। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को योग्य उत्तराधिकारी दे। आज मैं एक घोषणा करूंगा आप सबके समुख एक ऐसे रहस्य को खोलूंगा जिस पर आज तक पर्दा था। वो घोषणा है कि मैं भगवान हिरण्यकश्यपु राजकुमार अहलाद को अपना युवराज और अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं। किंतु वे तो कामरूप नरेश के युवराज हैं। हाँ इनकी माता होलिका थी और इनके पिता महाराज विप्रचित्ति हैं। नहीं नहीं यही वो रहस्य है जिससे मैं पर्दा हटाना चाहता था। सत्य तो यह है कि राजकुमार आह्लाद मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। इसे
मैंने और महारानी कयाधु ने मेरी बहन सिंहिका के गोद में डाल दिया था, यह सत्य कोई नहीं जानता। आज मैं वास्तविक अधिकारी को उसका अधिकार दे रहा हूं। आज मैं राजकुमार आहलाद को अपना युवराज घोषित करता हूं। युवराज आहलाद को सिंहासन पर आसीन करने के लिए मुझे गुरुवर शुक्राचार्य की प्रतीक्षा है। ये विधि वे ही संपन्न करेंगे। वे किसी भी क्षण आते होंगे एक समाचार लेकर, एक सुंदर समाचार लेकर। मेरे बैरी, मेरे विरोधी, मेरे विद्रोही प्रहलाद की मृत्यु का समाचार लेकर। नहीं तो क्या गुरुजन शंड और अमरक उसे झूठ बोलकर मेरे पुत्र को साथ ले गए थे? महारानी, मेरे और प्रहलाद के मध्य जो संघर्ष चल रहा है उसमें झूठ कोई पाप नहीं। ये कैसा शस्त्र है जिसका प्रयोग सर्वथा उचित और न्यायसंगत है? हे असुर लोक के वासियों, यह जान लो, हम और तुम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें सत्य की शिक्षा देने वाले, मार्गदर्शन का धर्म निभाने वाले गुरु भी झूठ बोलने लगे हैं। जिस समाज के गुरु झूठे हो वह समाज कदापि सुरक्षित नहीं हो सकता। मैं शन और अमर को इस झूठ के लिए कदापि क्षमा नहीं करूंगी, कदापि नहीं। आप सत्य कहती हैं महारानी। आप सत्य कहती हैं महारानी, हम क्षमायोगी नहीं हैं, परंतु हमने आपसे झूठ बोलकर केवल अपने पिताश्री दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश का पालन किया था। नहीं, अर्थात अब मेरा पुत्र प्रहलाद इस संसार में नहीं है? नहीं माते, मैं इसी संसार में हूँ। आशीष सदा मेरे साथ था, मुझे क्या हो सकता था? तू अभी भी जीवित है? हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु की कृपा से मैं बच गया। किंतु मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके आज्ञा अनुसार मेरा वध हो जाता तो क्या आप मुझे पुनर्जीवित कर सकते थे? बंद कर अपना प्रलाप, गुरुदेव कहाँ है? कहाँ है गुरुदेव? मैं यहाँ हूँ दैत्येंद्र। ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? शंड और अमर्क के निर्जीव स्वर, आपका पहली बार झुका हुआ सिर, और ये जीवित दुष्ट प्रहलाद, ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? नहीं वत्स हिरण्यकश्यपु, ये सत्य है, अत्यंत कटु सत्य। मैंने कृत्या क्रिया द्वारा
प्रहलाद का अंत करना चाहता, परंतु राक्षसी कृत्या ने उल्टे मेरे दोनों पुत्रों शंड और अमर को मार डाला। किंतु ये दोनों तो जीवित हैं गुरुदेव, ये दोनों तो जीवित हैं। यही तो खेद और लज्जा का विषय है। मेरे दोनों पुत्रों का जीवन तुम्हारे विरोधी पुत्र प्रहलाद की दया का दान है। मेरी शक्ति तुम्हारे पुत्र की शक्ति के समक्ष हार गई। मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी, किंतु आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। जिसके पुत्रों को मिली प्राणों की हो भीख, वह कैसा गुरु जो न ले अनुभव से कुछ सीख। आया काल विनाश का हुई बुद्धि विपरीत, हार गया अभिमान लो हुई विनय की जीत, हुई विनय की जीत। जो सुने और ज्ञान आएगा सुख और ज्ञान, धर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़ तान, प्रेम की तू छेड़ तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग पथ पे चल सुजान विष्णु पुराण।